नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत रामचंद्रपुर अंधेल पंचायत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जयंती समारोह में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला महासचिव मुकेश कुमार चौधरी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला महासचिव मुकेश कुमार चौधरी ने कहा कि दिवंगत इंदिरा गांधी ने देशहित में किसानों व बेरोजगारों के लिए सराहनीय कार्य करने के साथ साथ औद्योगिक विकास भी किया था। उन्होंने पोखरण परीक्षण कर भारत को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने कहा कि इंदिरा गांधी ने भारत की एकता व अखंडता को अक्षुण रखने के साथ साथ सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाकर राष्ट्र को भौगोलिक दृष्टि से मजबूत भी बनाया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के रितेश कुमार चौधरी ने कहा कि इंदिरा गांधी महान वीरांगना, राष्ट्रीय एकता व अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाली व राष्ट्र की सेवा करने वाली कर्मयोगी थी। इस जयंती समारोह को राम उद्गार चौधरी, बद्री प्रसाद सिंह, उजियारपुर प्रखंड कमेटी के उपाध्यक्ष चंदन कुमार, पंकज महतो, रामचंद्रपुर अंधेल के मुखिया पति उमेश साहनी, कन्हैया चौधरी, गौरी शंकर चौधरी, विजय शंकर चौधरी, उमानाथ चौधरी, प्रणव कुमार तथा युवा कांग्रेस के विधानसभा उपाध्यक्ष सौरभ कुमार ने भी संबोधित किया। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। और इस जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राम कलेवर सिंह जी और डॉक्टर राम उद्गार चौधरी जी यहाँ पर मैं आए थे। और एक समारोह जिसमें आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के जीवनी पर व्याख्यान किया गया और प्रखंड कांग्रेस कमेटी और विधानसभा उजियारपुर जो युवा कांग्रेस है, इन समूह ने मिलकर इस जयंती का आयोजन किया। और आज के दिन इस जयंती के अवसर पर ये प्रण किया गया है कि हम उजियारपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ेंगे और अभी के जो सरकार हैं मोदी सरकार उसके खिलाफ उसके व्यवस्थाओं का विरोध पुरजोर विरोध करेंगे। और इसके लिए हम लोगों को जो बलिदान देना होगा उस बलिदान को देंगे, लेकिन हम कांग्रेस को आज के दिन ही इस चीज़ का प्रण लिए हैं कि उजियारपुर में इसका ही करेंगे। और जब तक प्रतिमा स्थल पतैली रामचंद्रपुर अंधेल में इंदिरा जी की 150वीं जयंती को याद किया गया, उनकी जीवनी के बारे में बताया गया, उनके बारे में तो जितना व्याख्या की जाए वो कम है। इंदिरा गांधी एक विश्व की नेत्री थी, उनको आप भारत की नेत्री नहीं कह सकते, वो एक विश्व की नेत्री थी जिनसे पूरा विश्व जिनकी धाक मानता था, इज्जत करता था, ऐसी नेत्री थी इंदिरा गांधी। एक बार अटल जी से अमेरिका में सवाल पूछा गया जो इंदिरा आपके देश के नेता कौन है, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया। तो उनसे पूछा गया कि इंदिरा गांधी कौन, इंदिरा गांधी का नाम आपने क्यों नहीं लिया, तो बोले वो भारत की नेत्री नहीं है, वो तो विश्व की नेत्री है। तो ऐसी थी इंदिरा गांधी। हमारे इंदिरा गांधी के बारे में जितना भी बोला गया बहुत कम है। इंदिरा जी की एक बार ऐसा हुआ जब भारत पे संकट आई, 1962 की बात है, चीन से युद्ध हो रहा था उस समय शायद, तो इंदिरा जी ने अपने घर का सारा गहना गिरवी रख दिया और भारतीय फौज के लिए भारत के लिए जरूरी सामान उपलब्ध करवाया हथियारों। तो उनका बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। आजकल की सरकार है जो गांधी परिवार की उतनी बलिदानी को वो कुछ नहीं समझ रहे हैं। आज हमारे गांधी परिवार से 3-3 हत्याएं हैं, फिर भी आज हमारी केंद्र की मोदी सरकार है ऐसी हैं, वो बदले की राजनीति कर रही हैं। जो SPJ सुरक्षा हटा लिया गया, SPJ सुरक्षा हटा लिया गया उस परिवार का जिससे 3-3
जिस